दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वोटिंग जैसे जैसे शुरू हो रहा है, राजकीय गर्मी भी इस देश में बढ़ रही है। गुजरात में तो वैसे भी गर्मी बढ़ी हुई है। मैं सीधा बात करना चाहता हूँ एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो कि 2014 के बाद पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने बड़े ही मुखर होकर के बड़े ही क्लियर टोन में एक बात कही 2 दिन पहले, और उसके बाद सेम पित्रोड़ा के स्टेटमेंट आते हैं, कांग्रेस के स्टेटमेंट आते हैं, और इस देश की राजनीति में, इस देश के लेफ्टिस्ट लिबरांडो लोगों में, इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों में, इस देश के मीडिया में चारों ओर इसी बात की चर्चा हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोदी, मंगलसूत्र और मुसलमान के बारे में। 2 दिन पहले और पिछले 2 दिन से लगातार नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे कांग्रेस को, उसकी जो एपिसमेंट की नीति है, उसकी जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है, उसको लेकर के, और पहली बार इतने बोल्ड होकर के क्लियर तरीके से देश के प्रधानमंत्री बोले हैं अपने चुनावी जनसभा के दौरान कि भाई कांग्रेस इस देश की संपत्ति का फिर से सर्वे करवाना चाहती है। इस देश की महिलाओं के पास जो सोना है, उनके जो मंगलसूत्र है, उनको कहीं ना कहीं वो खतरे में डालना चाहती है। इस देश में जो संपत्ति है उसका सर्वे करके इस देश के जो वंचित लोग हैं, इस देश के जो गरीब लोग हैं, उनको वो संपत्ति बांट देना चाहती हैं। परंतु इसमें पूर्ण रूप से क्लियरली देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि खास करके कांग्रेस यह संपत्ति मुसलमानों को देना चाहती है, और कांग्रेस ये मानती है कि इस देश के संसाधनों के ऊपर, इस देश के संपत्ति के ऊपर मुसलमानों का सबसे पहला अधिकार है। और देखिए, न प्रधानमंत्री चुनाव का माहौल है इसलिए राजनीति कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है, परंतु 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब के उनके जो एजेंडा थे, उनके जो मैनिफेस्टो थे, उसमें कांग्रेस क्लियरली बोल रही थी कि इस देश की संपत्ति के ऊपर मुसलमानों का पहला अधिकार है, मुसलमान सबसे वंचित है, और मुसलमानों को आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा लाभ इस देश की संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री गलत है, कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा नहीं है, और इस बार के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने संपत्ति के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात कही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में क्लियर है कि भाई अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस देश के लोगों की संपत्ति का रिसर्वे किया जाएगा और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात यहाँ पे यह है कि किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2006 की इनका जो घटनाक्रम पूरा कांग्रेस का देखे, इनकी मंशा देखे, तो मुसलमानों का कहीं ना कहीं वो तुष्टिकरण करना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने फिर एक बार सनातन को तोड़ने की कोशिश की है। इस देश की मुख्य जो विचारधारा है, जो परंपराएं है, जो हिंदू धर्म है, उसके ऊपर फिर से, जो कि वो मतलब पिछले 50 सालों से उन्होंने यही किया है और आगे भी ये यही करने वाले हैं, उन्होंने साफ कर दिया है। दूसरा, उनके जो पॉलिटिकल लीडर है राहुल गांधी, आज सबसे बड़े उनके जो सलाहकार है, और एक समय पे जो राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, ऐसे साम पित्रोड़ा, जो कि गुजराती है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो गुजराती है और मेरे ही सुरेंद्रनगर जिले से बिलोंग करते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, अभी अमेरिका में बैठे हैं, अपने आप को टेक्नोक्रेट मानते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी मानते हैं, अपने आप को मानव अधिकार का मसीहा मानते हैं, ऐसे साम पित्रोड़ा ने बोला है। उनका नाम तो वैसे श्याम जी पे पित्रोड़ा है, पर वो अपने आप को सैम पित्रोड़ा बोलते हैं क्योंकि अब वो अमेरिकन हो गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि अमेरिका में जैसे किसी का देहांत हो जाता है तो उनके संतानों को 45% ही उनकी संपत्ति दी जाती है, 55% संपत्ति सरकार लेती है और फिर गरीबों में बांट देती है। तो ठीक है, अमेरिका का अलग एक परसेप्शन है, वहाँ का सोसाइटी अलग है, वहाँ पर मुस्लिमों का इस प्रकार का तुष्टिकरण नहीं है, परंतु भारत में जो कांग्रेस करना चाहती है रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कहीं ना कहीं आदिवासी या दलित या अन्य कोई जो वंचित समाज है भारतवर्ष का, उसकी कोई चिंता नहीं है। पूर्ण रूप से, खुले रूप से कांग्रेस जो अपना तुष्टिकरण का ये जो डमरू बजाती आई है आज तक, वो वही करना चाहती है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है मेरे दोस्तों। भले इस देश के लिबरांडो, इस देश के लेफ्टिस्ट, इस देश के सोकल बुद्धिजीवी, इस देश के पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बड़ा ही महान मानते हैं, अपने आप को धर्म ज्ञाति जाति सबसे ऊपर मानते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, भाजपा को कोस रहे हैं, परंतु वो कांग्रेस को एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये इनका दोहरा मापदंड है। ध्रुव राठी या जो भी अन्य न्यूज, मतलब देशभक्त चैनल वाले लोग हो,
बैनर्जी हो, जो कोई भी हो, आप देख लो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है इस देश में यूट्यूब पे और मीडिया में, जो कि भाजपा को और नरेंद्र मोदी को ही कोस रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी की जो अपेजमेंट नीति है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो इस देश के सनातनी को जगना होगा, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस का तो क्लियर है, इस देश के 100 करोड़ लोग जिस परंपराओं को मानते हैं उस परंपराओं को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ना इनका आदर करते हैं। राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाने वाले और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जो पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा था उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तो इनका एजेंडा क्लियर है कि हमें आपके साथ नहीं रहना है। अब इस देश के सनातनी को, इस देश के हिंदू को तय करना है कि उनको क्या करना है। उनको 5-25 रुपये के फायदे के लिए, उनको मुफ्त बिजली के लिए, उनको अपने जो क्रॉप है, जो किसान है, उसके ज़्यादा कीमत मिले इसके लिए अपने आत्मा को बेच देना है, अपने आने वाले नस्लों को खतरे में डालना है, या सनातन विरोधी इन लोगों को एक्सपोज कर देना है और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहना है। तो कहीं ना कहीं इस देश के सनातनी को, हिंदू को अब ये चौराहे पे बात आके खड़ी है, जहाँ पे उनको ये तय करना होगा कि उनको किसके साथ रहना है। दोस्तों मैं इस देश के SC ST और जो आदिवासी लोग हैं, जिनका भी ये कांग्रेस हमेशा बोलती है कि हम आपके मसीहा है, तो भाजपा ने इनका जितना नुकसान नहीं किया है, या भाजपा की नीतियों से इनका जितना आदिवासियों का, दलितों का या वंचितों का नुकसान नहीं, उतना कांग्रेस से है। ये यही कांग्रेस है जो 2006 से लेकर के बार बार बोल रही है कि SC ST या OBC की जो अनामत है, जो रिजर्वेशन है, उसको भी मुस्लिमों को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 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 अपीजमेंट हो रहा है उसमें आदिवासी दलित की चिंता नहीं है, मुस्लिमों की ही चिंता है। तो कहीं ना कहीं इस देश के सभी सनातनी को, और मैं खुल के कांग्रेस को बोल देना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष है, ये सनातनी है, ये किसी के भी फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले लोग नहीं हैं। हमें किसी की भी संपत्ति नहीं चाहिए, हम समान से, आत्मसम्मान से हर रोज़ कमा करके हर रोज़ खा लेंगे, हमें किसी की संपत्ति नहीं चाहिए। हम पाप मानते हैं किसी की संपत्ति के ऊपर अपना भरण पोषण करना, अपना सर्वाइवल करना। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे बनाना आज औचित्यपूर्ण लगा, प्रासंगिक लगा, क्योंकि चुनाव है, आने वाले दिनों में वोटिंग होने वाला है, कुछ जगह पे वोटिंग शुरू भी हो गया है। तो इस देश का सनातनी अब सो कॉल बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल बन करके अपनी ही आने वाली नस्लों को खतरे में न रखे, अपने ही अस्तित्व के ऊपर वो खुद खतरा न बने। कांग्रेस ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, ठीक है, नरेंद्र भाई राजनीति कर रहे हैं, BJP कर रही है, सब राजनीति करेंगे, क्योंकि वो राजनीति में है। आप बॉलीवुड में हो तो आप एक्टिंग करोगे, आप राजनीति में हो तो आप निश्चित ही राजनीति करेंगे। पर हम 10-20 साल या 50 साल के बाद का भारत देखें, और सनातनीय या हिंदुओं के लिए अगर हमें कुछ आने वाले दिनों में कुछ अच्छा यहाँ पे माहौल देखना है, तो कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस की इस मंशा को समझ लेना होगा और इस देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना होगा, तभी कहीं ना कहीं हमारे हितों का रक्षण होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी या भाजपा भी कभी कभी हमारा हित नहीं साध पाते हैं, सनातन का हित नहीं साध पाते हैं, परंतु क्लियर है वो नुकसान नहीं करेंगे, और वो जो कुछ कर पाएंगे वो अन्य पक्ष तो नहीं करेंगे। तो अगर इस्लाम की निष्ठा OBC के ऊपर है, इस्लाम वोट बैंक की निष्ठा OBC के ऊपर है, तो हमारी निष्ठा क्यों इस देश के प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है? दोस्तों कब तक हम लिबरल और बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में अपनी ही आने वाली नस्लों को खतरे में डालेंगे? तो समय है हम जाग जाएंगे और कांग्रेस की इस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम सनातन को उसके मूल रूप में लोगों के सामने रखना चाहते हैं और भारत के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हम कार्यरत हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।